दोस्तों हम हैं एक ऐतिहासिक वैश्विक पहचान हैदराबाद की शान चारमीनार के सामने। चारमीनार को कुतुबशाही राजवंश के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 423 साल पहले सन 1551 ईस्वी में बनवाया था। माना जाता है कि इसी साल मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की नींव रखी थी। चारमीनार के बिना 423 साल पुराने शहर हैदराबाद की कल्पना करना उसी प्रकार होगा जैसे कि क्रेमलिन के बिना मॉस्को या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बिना न्यूयॉर्क। आखिर चारमीनार के निर्माण की परियोजना किस धारणा को लेकर की गई थी, इस संबंध को लेकर अनेकों अनुमान हैं। लेकिन व्यापक रूप से ये स्वीकार किया गया है कि चारमीनार उन दिनों फैली महामारी प्लेग अनुमूलन यानी इरेडिकेट हो जाने की स्मृति में उसी स्थान पर निर्माण की गई है जहां पर कुतुबशाही राजवंश के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सलत यानी कि प्रार्थना की थी और ये वचन अल्लाह को दिया था कि ऐ खुदा, अगर नगर में फैली महामारी प्लेग से छुटकारा मिल जाता है तो मैं यहां पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण आपकी इबादत के लिए करवाऊंगा। चारमीनार एक 95 फीट वर्ग आकार यानी कि क्वाड्रेट आकृति की मस्जिद है जिसके प्रत्येक ओर 33 फीट चौड़े मेहराब बने हैं, जहां फूलों की विभिन्न विभिन्न बारीकी प्रारूप यानी कि डिजाइन देखने को मिलती है और हमें उन दिनों स्थानीय शिल्पकारों द्वारा बनाया गया मुगल और हिंदू वास्तुशिल्प का मिश्रण बखूबी दिखता है। इस भव्य मस्जिद के चार कोनों में चार मीनारें हैं। प्रत्येक मीनार 3 मंजिला है जिनकी ऊंचाई 170 फीट तक की है। आइए हम इनमें से एक मीनार के भीतर 149 घुमावदार सीढ़ियों से होकर पहली मंजिल पर चलें। आपके सामने है छतों पर दोहरे पर्दे वाली मेहराब और मीनारों पर बने अलंकृत मेहराब। ऐसी वास्तुशिल्पकारी ने निसंदेह इस इमारत के सौंदर्य को और बढ़ा दिया है। आपके सामने है चारमीनार की दूसरी मंजिल के पश्चिम भाग में बनी मस्जिद। चारमीनार में 45 मुशलाल यानी कि नवाज अदा करने के स्थान हैं और इसके हर एक मीनार में 3 मदरसा हैं, यानी चारमीनार में कुल मिलाकर 12 मदरसा हैं। हम हैं चारमीनार के तले पर बने परंपरागत नमाज पढ़ने से पहले प्रक्षालन के लिए वजू यानी कि पानी के हौज के सामने, जिसमें है एक छोटा सा फवारा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 1755 ईस्वी में फ्रांस के कमांडर मार्किस दी बुसी कैस्टेनाओ ने चारमीनार को अपना मुख्यालय बनाया था और बाद में वर्ष 1889 में चारमीनार के चारों दिशाओं में 4 घड़ियां लगाई गई थी। इसी के साथ हमारा आज के दिन का ऐतिहासिक हैदराबाद की शान चारमीनार के भ्रमण का समापन होता है।